नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आज है रविवार का दिन और लगभग हफ्ते भर के बाद ही आज मैं अपने काम पे लगी हूँ वापस। काम पे तो तब लगी ना जब तबीयत ही आज थोड़ा सा आराम मिला है। आज जाकर थोड़ी सी फुर्सत सी है तो मैं कह चलिए भाई, थोड़ा थोड़ा सा तो हो ही रहा था, खाना पीना जैसे भी कर ही रही थी मैं, पर जो जैसा कह सके कि भाई थोड़ा सा एक्टिव सा आज महसूस हो रहा, तो आज मैं लगी हूँ अपने काम पे। और मेरी तबीयत सोमवार के दिन खराब, सोमवार क्या मंगल को खराब होगी थी, रात को ही खराब ही थी, सोमवार की शाम से भी खराब ही थी, मंगल उसको रात को फिर ज़्यादा दिक्कत हुई, तो रात को ही हम फिर हॉस्पिटल गए थे। और तब से लेकर आज का दिन है, मतलब या तो दूसरा नवरात्रा था या आज अष्टमी है, यानी दुर्गा अष्टमी है, आठवां नवरात्रा है, तब जाके आज थोड़ी सी मुझे राहत सी मिल रही है। तो पर कोई बात नहीं, इतने में भी मुझे ये है कि चलिए, बीच में ये था कि सब थे, पील के डैडी भी थे उधर, आशुअर भी, सब ने बहुत हेल्प करी, बहुत सपोर्ट करा, तो इतनी भी मतलब जल्दी हो गया, नहीं तो जो कंडीशन इस बार मेरी खराब हुई थी, हर बार होती है, ऐसा नहीं है कि होती नहीं, लेकिन एक दिन हो गया, ज्यादा ज्यादा 1.5 दिन हो गया, उसके बाद तो ठीक हो ही जाता था। इस बार ऐसा हुआ कि इतना टाइम मुझे इस दिक्कत, और ये दिक्कत मेरे अब से नहीं है, काफी टाइम से है, महीने 2 महीने में इसका फेरा सा पड़ो ही जा मेरे ऊपर। बस ये है कि इस बार कुछ ज्यादा ही हो गए, तो वो रिकवर नहीं हुई वह चीज। खैर चलिए कोई बात नहीं, मेन बात यह है कि अभी आराम है, ठीक हूँ मैं, मतलब पूरा नहीं है, दवाइयाँ अभी चल रही है और अभी मुझे दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। कितना टाइम जी? दवाई तो 3 महीने का कोर्स है, तब जाके अल्सर जो बन रहे ना, अल्सर अंदर बन रहे, अल्सर ठीक होएंगे तब बात बनेगी। वारा कोई भी एक भी बीमारी ऐसी नहीं होती मेरी जिसकी दवाई मैं 2-4 दिन में खाऊं, कभी भी कुछ भी हो गए तो जाकर डॉक्टर को पूछो, वो यही बतावे, हर चीज की दिक्कत भी जितनी भी है आज तक सबका यही हुआ कि इसकी दवाई 6 महीने खानी, इसकी 4 महीने खानी, इसकी 2 महीने खानी, हर बीमारी का यही ट्रीटमेंट है मेरी। चलिए जी, खैर कोई नहीं, खाएंगे, जीना तो दवाई खानी ही पड़ेगी। तो फिलहाल यहाँ पे पीयू के डैडी जो है वो बना रहे हैं जूस मेरे लिए और अपने लिए। पी लेगा? ये है पिट्ठे का और मौसम्बी का, वो ऑरेंज मिक्स कर लियो इसमें, एक आधा नहीं थोड़ा सा। अच्छा, और पीहू जो है वो हमारी जा रही है गांव में आशुअर के साथ। यहाँ पे हमारे पास बस ये एक ये बंदर है, यहाँ पे इसका मूड खराब है कि इसे भी जाना, और एक है रूही, और ये पड़ी रूही देखो यहाँ पे, ये लेट रही, इनमें बिस्तरों सो में दिख नहीं रही है। उठ जा बेटे अब तो, हाँ सारा सेटअप करके लेटी हुई थी, ये पूरा सेट करके उठ जा राजा सर। तो जी मैं नहा धो ली हूँ, बाल धोए हैं मैंने, और अब मुझे कान्हा जी को नहलाना और फिर करनी है पूजा पाठ, तो धीरे धीरे ही कर रही हूँ मैं, किसी भी काम की भागा दौड़ी सी नहीं है कि भाई ये भी करना वो भी करना। हाँ हम नहीं जाते, चल जा भाग जा तू। तो चलिए जी, पहले रेडी जूस बना रहे, थोड़ी सी मैं पहले एनर्जी ले लूँ, तब तक कान्हा जी के कपड़े वगैरह देख लूँ, फिर नहलाऊंगी धुलाऊंगी उन्हें। तो जी यहाँ पे पीयू के डैडी जूस बना रहे हैं, जूस वो पिट्ठे जो वाइट पिट्ठा होता है ना, पिट्ठा कद्दू उसका, और जो मौसमी है उसका बना रहे, जो पिट्ठा कद्दू है उसका जूस बहुत हेल्दी होता है, ये ना एक डिटॉक्सी वाटर जो होता है ना, डिटॉक्स करता है बॉडी को, उसके लिए बहुत अच्छा है और सभी के लिए ये हेल्पफुल है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल इसके लिए नुकसान नहीं देता कुछ भी, तो उसके लिए। और अब तो आगे आगे जैसे सर्दी आ जाएंगी तो गाजर वगैरह का पीना है, क्योंकि मेरी जो डाइट है वो उन्होंने लिक्विड ज़्यादा बताया है कि आप लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लो, ठंडी चीज़ें लो, और मतलब हो सके तो जो जो तला भुना या वैसी जो चीज़ें हैं वो कम खाओ। तो अभी तो बस ये देखे यहाँ पे ये मेरे लिए बना रहे हैं, पहले इन्होंने मेरे लिए बनाया है फिर ये अपने लिए बनाएंगे,
तो अभी वैसे इतना तो टाइम मिल नहीं रहा इनको भी, क्योंकि जूस वगैरह यही बनाते हैं, मैं खुद नहीं बनाती। इनको इतना टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि ये सुबह ही चले जाते हैं, जल्दी चले जाते हैं। जब से अब जब थोड़ा सा मुझे आराम मिला है तो ये अपने काम पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मेरी वजह से इनका भी काम नहीं हो पाया। और कुछ लोगों को लग रहा था कि जब मेरी तबीयत खराब थी तो इन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा, इन्होंने बहुत ध्यान रखा। बच्चे स्कूल गए सुबह के टाइम, जब मैं बीमार थी बच्चे स्कूल जाते थे, हालांकि मैंने उस टाइम वीडियो कोई भी शूट नहीं किए, यही बच्चों को सुबह को भेजते थे, नाश्ता वगैरह उनका, लंच लगाना, नहलाना धुलाना, सब कुछ, पानी रखना बच्चों का, सब यही करते थे। सिर्फ मैं बच्चों को बाल बनाती थी और कुछ नहीं। और मतलब पूरा इन्होंने प्रॉपर जो रेस्ट मुझे होना चाहिए था वो इन्होंने दिया है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा। बस ये है कि दिन में मैं उधर चली जाती थी और जो दिक्कत मुझे होती थी वो तो होती ही थी, चाहे मेरे साथ सारे होते थे चाहे मैं अकेली होती थी उस टाइम पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा। बस ये देखिए जी, अगर सारा दिन घर में ही बैठे रहेंगे तो रोजी रोटी का भी अपना वही एक काम है, क्योंकि मैं भी काम नहीं कर पा रही थी। इनकम के और कोई सोर्सेज भी नहीं है कि हाँ भाई कोई और सोर्सेज है हमारे, अपना बुटीक है या सिर्फ यूट्यूब है, यही दो है। अब एक जगह तो कम से कम काम होना चाहिए, दोनों काम छोड़ के बैठ जाएंगे तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा, तो वो सारी ही चीजें देखनी पड़ती है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं अपना वो जूस वगैरह पी के मैंने कान्हा जी को नहलाया धुलाया, उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी पूजा पाठ कर रही हूँ। ये अष्टमी वाला दिन है और व्रत ज्यादातर के यहाँ पे अष्टमी को खुलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ व्रत नवमी में खुलते हैं। तो अगले दिन नवमी थी तो ज्यादा तो मैं देखिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना ही कर रही हूँ किसी भी चीज को लेके, क्योंकि जो मुझे अभी दिक्कत हुई थी उसमें डॉक्टर ने जो बोला है उसमें एक जो कारण था मेरा स्ट्रेस भी था, टेंशन भी थी कि टेंशन ले रही है किसी चीज की, स्ट्रेस ले रही है किसी चीज की, तो उसकी वजह से दिक्कत जो है वो ज्यादा हो रही है। मतलब दिक्कत है अपनी जगह है, लेकिन अगर 50% दिक्कत है तो 50% मुझे स्ट्रेस की वजह जैसे वो प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। तो मुझे भी कई बार समझ नहीं आता, कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हम टेंशन ले रहे हैं, लेकिन माइंड अपना जो है वो चलता रहता है। तो वो वाली चीजें हुई। अल्ट्रासाउंड में तो अपना जो आना था आया ही, वही दिक्कतें पुरानी ही मेरी हैं जो चलती रहती है, उन्हीं की वजह से आगे भी दिक्कत हो रही है। लेकिन उसमें बस ये है कि बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि काम का स्ट्रेस ले लीजिए या किसी भी चीज की टेंशनबाजी ले लीजिए, घर परिवार में चलती रहती है। तो देखिए पूजा पाठ मैंने कर लिया और पूजा पाठ करने के बाद मैं पूरे घर में दे रही हूँ धूप, जो मैंने धूप जलाई थी। तो जी मैंने पूजा कर ली है, यहाँ पे मेरी माता रानी बैठी हैं और आज हमारे पास माला नहीं थी, फूल फूल थे तो वही हमने चढ़ा दिए। और ये देखिए हमारे जौ ज्वार कितने बड़े बड़े हो गए, और साल कितने बड़े थे ऐसे ही हो गए थे, हाथ नहीं लगाते बाबू। देखिए कितने बड़े बड़े हमारे माता रानी खुश हो रही है। और ये बैठे मेरे दोनों लड्डू गोपाल यहाँ पे, और ये है मेरी माता रानी। अपनी पूजा हमने जो है वो कर ली, अब मुझे बनाना है नाश्ता। नाश्ते में मैं सिंपल रोटी बनाऊंगी, रात दही जमा दी थी। अरे तू काम कर अपना, डोसा ठीक तो हो जाना था पहले। ये मैंने रात दही जमाई थी, ये जमगी तो सिंपल नमक वो उसमें क्या बोल लग रहे है वो डाल दू उसमें आटे में नमक भी रच सी। हाँ बनाते चटनी तो होगी। हाँ सिंपल रोटी बना दे तो कोई बात नहीं, जो जल्दी बन जाए। चलिए जी मैं फिर फटाफट से नाश्ता बना दूं, उसके बाद मैं और काम करूंगी। सिंपल रोटी बनानी तो सिंपल रोटी ही बना रही। तो जी देखिए यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ते में दही, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मेरा कुछ मतलब ठंडी चीजें उन्होंने बताया है, दही वगैरह लो, लस्सी लो, दूध मेरा बंद है, चाय बिल्कुल बंद है, और चिकनाई भी मेरी बिल्कुल बंद है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरी बंद कर दी गई हैं और वो मुझे रूटीन अपना रखना भी पड़ेगा। ये है कि अगर मैं डाइट ले रही हूँ तो उसी के हिसाब से फिर मुझे अपने शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अब दही दोनों टाइम में दही जमाती हूँ, तो सुबह को भी शाम को भी ज्यादातर जो खाना है वो मैं दही वगैरह के साथ ही ले रही हूँ, तो और साथ में सिंपल रोटी। तो यहाँ पे सुबह के टाइम बस चटनी है, चटनी थी, दही थी और साथ में रोटी थी।
तो मैंने कहा दोपहर को मैं कुछ और बना दूंगी, बना नहीं बना वो तो फिर, क्योंकि मेरा एक ऐसा हो रहा है कि एक टाइम कर लेती हूँ तो दूसरे टाइम की मेरी गारंटी नहीं होती कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। तो लीजिए नाश्ता हो गया है तैयार। तो दोस्तों एक बार आप सभी को फिर से राधे राधे। और सुबह का जैसे टाइम है नाश्ता वगैरह सभी ने कर लिया है और आप देख रहे होंगे तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए हैं कोई वीडियो नहीं आया है, ना कोई शूट कर पाई है। सिर्फ क्या था कि इंदु की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी तो उस करके सारा काम डिस्टर्ब हो गया था। तो ये धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है पहिया और यहाँ पे आज लगी है ये मेरे घर से 8-10 दिन बाद ही काम पे अपने लगी है। तो धीरे धीरे अभी काम कर रही है और यहाँ पे थोड़ा सा आज सुकून भरा माहौल लग रहा है। नहीं तो जहाँ त्यौहार आते हैं ना तो कुछ ना कुछ ऐसी टेंशन हो जाए कि ले भाई ये क्या करें, वो काम पहले लग जाए कि सारे काम छोड़ो पहले अपने शरीर को देखते हैं। तो जी कन्हैया का लगा दिया क्या? दही दे दे और वो दे दे चटनी ना। और यहाँ पे नाश्ते में किया है चटनी के साथ सिंपल चपाती जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है, मजा आ गया पेट भर के। दही के साथ, दही मीठी लग रही थी दही के साथ, मजा आ गया पेट भर के मैंने खाना खा लिया है। और कृष्णा को क्या चाहिए यहाँ पे? उनमें नहीं है वो मिर्च नहीं है, दाल है वो। क्या लाल मिर्च चाहिए? डाल देना इसकी थोड़ी सी, ये खा ले थोड़ा सा ना, फिर पेट भर के खा लेगा। बहुत ज्यादा न करिए चटनी अलग, रोटी के बीच में। हाँ तू जाओ भाई पहले तेरा। तो जी पियू के डैडी चले गए थे अपना नाश्ता करके और कन्हैया का नाश्ता लेके, और फिर मैंने भी किया दही के साथ ही क्योंकि हल्का फुल्का ही खाना होता है तो वही मैं खा रही हूँ। और आज ना बादल से हो गए क्योंकि अब ठंड होनी शुरू हो ही गई है और रूही कृष्णा नीचे खेल रहे दोनों, वहाँ पे वो खेल रहे दोनों और मैं बस ऊपर ही थी। बल्कि नाश्ता करके मैं लेट गई थी क्योंकि पता नहीं दवाई लेती हूँ ना तो दवाइयाँ इतनी तेज हैं, सर ना ऐसा होता है जैसे घूम रही, उठती हूँ लेट जाती हूँ, उठती हूँ लेट जाती हूँ, ये चल रहा। तो सुनीता भी बल्कि आके अपना काम वाम करके जा ली थी और मेरे पे ढंग से साफ सफाई भी नहीं हुई, चद्दर वगैरह भी कुछ नहीं जड़ा क्योंकि मैं तो नाश्ता बना के करके लेट गई थी। तो अब मैं सोच रही मैं कहा चलो थोड़ी सी झाड़ पूछ कर लो क्योंकि हुआ ही नहीं कुछ भी मेरे पे, बस सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके नाश्ता ही बनाया था। तो अभी देखो इधर सब इस तरह, तो पियो के डैडी ने उठा दिए थे, यहाँ पे मैं लेटी हुई थी अभी, इधर वाला तो ऐसे ही पड़ा रूम। तो बस चलो ये जो थोड़ी सी साफ सफाई है ज्यादा नहीं, कुछ बेडशीट वगैरह झाड़ दूं और एक बार झाड़ू सोच रही लगा दूं मैं, क्योंकि जब बेडशीट झाड़ूंगी तो फिर उनके ऊपर से गिरेगा और टाइम 12:30-1 बज रहे हैं और यही हो रहा, बस काम नहीं होता। मतलब ये है कि काम ही चल रहा है, मैं कहा चलो इतना भी बहुत है कम से कम नाश्ता पानी बन जाए और फिर देखूंगी खाने में क्या बनाना क्या नहीं। सब्जी कुछ है नहीं, पियो के डैडी ही आएंगे लेके सब्जी वगैरह तो तभी बनेगी। वो बोल के भी गए थे कि अपना आराम से कर लिए कोई बात नहीं, तो चलिए जी जो काम बच गया वो करते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे जो मेरा बचा हुआ काम है वो मैं कर लेती हूँ क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मेरे एक टाइम मैं कर लेती हूँ अगर ठीक ठाक, और दवाई लेने के बाद मुझसे काम नहीं होता क्योंकि दवाइयाँ मेरी इतनी हैवी डोज हो जाती है वो मुझसे कंट्रोल नहीं होती। मैं उठती हूँ ऐसा रहता है जैसे ड्रिंक कर ली हो ना, देखती हूँ मैं जो डुलते फिरते हैं वैसे वाला हिसाब हो जाता है सर। और इस बार वीकनेस इतनी मुझे फील हो रही है, इतनी मुझे अभी तक भी कभी फील नहीं हुई वीकनेस जितनी मुझे इस बार फील हो रही है। तो वही है क्योंकि मेरा अंदर का सिस्टम पेट वाला बिल्कुल हिला डुला पड़ा है, इतनी दिक्कत होती है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या है क्या नहीं। बस मुझे इस चीज की तसल्ली रहती है कि चलिए एक आधे दिन अगर तबीयत खराब हो भी गई है तो उसके बाद ठीक हो जाती है, लेकिन इस बाद जो मेरी रिकवरी मोड था वो बहुत ही स्लो था। स्लो क्या था, एक बीच में तो रुक ही गया था क्योंकि दो तीन दिन तो दवाइयों का कोई भी असर मुझ पे हुआ ही नहीं, क्योंकि वो बोल रहे थे डॉक्टर कि भाई जो दिक्कत है वो इतनी बड़ी हुई है कि वो 2-3 दिन रिकवरी में लेगी, एकदम से नहीं आराम हो पाएगा। और क्योंकि हम लोग परेशान इतने थे कि भाई
इस डॉक्टर को चेंज कर, उस डॉक्टर को चेंज कर, जबकि जो फर्स्ट डॉक्टर थे मेरे, उन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 2-3 दिन इसको रिकवर होने में लगेंगे, पेन कम होने में लगेंगे, क्योंकि जो अंदर दिक्कत है पेट में, जो मुझे जख्म वाली दिक्कत हो रही है पेट में, अल्सर वाली, वो काफी ज्यादा है, और क्योंकि वो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से। और बस वही है कि चलिए ठीक है, अभी तो आराम है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपना रूम क्लीन कर दिया है, दूसरा रूम रूही ने अपना साफ कर दिया था खुद ही, और इधर देखिए आपका लड्डू ब्रश करके दांत चमकाने पे लगा पड़ा है। इसका कुछ नहीं पता लगता, ये किस टाइम करने लग जाता है, किस टाइम क्या इसके मन करता है क्या नहीं। तो अब अभी अपने दांत चमका रहा और मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। वैसे तो सुबह सुनीता सारी साफ सफाई कर गई थी, क्योंकि मैंने बेडशीट वगैरह नहीं झाड़ी थी, तो देखिए उनपे होता ही है, तो इसी वजह से फिर मैं कहा चलिए एक बार मैं लगा देती हूँ। तो फिलहाल जो है पटड़ी हमारी, हाँ सॉरी, गाड़ी जो है वो हमारी पटड़ी पर धीरे धीरे आ रही है, और जब दोनों एक दूसरे के साथ है तो जल्दी ही सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आप लोगों का साथ है, भगवान का आशीर्वाद है, दुख है लेकिन दुख में भी उम्मीद है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बस आप लोग अपना सपोर्ट देते रहिए, प्यार देते रहिए, क्योंकि इस टाइम मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।